Hey guys, welcome back to my channel, Not Be Jordan Rahul. तो आज हम दिखाने वाले आपको मेरा गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन, जो कि हम जब मायरा तब पेड में था तब आप लोग सब हमको सिक्स मंथ में हम फेक ज्वेलरी दिखा रहे थे, तो सब कमेंट में बहुत भर के कह रहे हैं मामपी दी हमको आपको ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी देखना है। तो हम एक ब्लॉग में बोले भी थे मेरा ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, जब हम लेंगे जरूर दिखाएंगे। तभी मेरे पास ओरिजिनल गोल्ड है जो कि बाबू ने हमको भर के हमको लगा भैया आप गोल्ड भैया को ओरिजिनल गोल्ड भाभी को ओरिजिनल अच्छा तो चलो अभी हम दिखा रहे हैं मेरा गोल्ड ज्वेलरी और हम बताएंगे भी कौन क्या दिया। ऐसे ज्यादातर बाबू ही सब दिए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो जो हम पहने हैं वहां से। तो अभी ये मेरा कान का देख सकते हो छोटा सा है, हम साइड में फोटो भी दे देंगे आप लोगों को। और बहुत प्यारा डिजाइन है ये, हम ज्यादातर कान में पहने रहते हैं, कान खाली नहीं रखते और जब यही पहन के रखते हैं ज्यादातर। तो ये बाबू हमको वैलेंटाइन डे में गिफ्ट किया था, याद है? सोना कभी खराब होता है? अरे ये ऊपर चढ़ गया। ओहो, तो ये हमको बाबू ने वैलेंटाइन डे में गिफ्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ये वाला रिंग, जो कि भी हम हमेशा पहन जाते हैं, हम कभी नहीं खोलते हैं ये रिंग, कभी कभी खोल भी देते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं अब इसमें मेरा कुछ काम है नहीं, तो ठीक है आप जाओ। तो मैं जाता हूँ क्योंकि मैं तुमको देखने के लिए आए थे, तुम प्यारी लग रही हो साड़ी में। बाकी अपना मेरे जेब काटने का पैसे काटने का दुख यहाँ सुनेगा कौन? ठीक है जाओ यार, मैं जाता हूँ। तो ये वाले इयररिंग रिंग, फिंगर का रिंग देखिए, यो फिंगर रिंग, ये भी फिंगर रिंग बोले हम मारेंगे। तो ये भी बाबू हमको दिए थे, ये हमको शादी के पहले फर्स्ट टाइम हमको ये वाला दिए थे, उसके बाद ये सेकेंड वाला गोल्ड है, ठीक है। और इसके बाद ये जो ढोलना होता है सब बिहार में सब पहनते ही है, दिखा दो सामने से ये वाला, बहुत छोटू सा है पर बहुत प्यारा डिजाइन है, हमको बहुत अच्छा लगता है। ये भी हम हमेशा आप लोग देखे होंगे, हमेशा पहनते हैं। ये मेरा बुआ सास हमको दिए हैं, तो ये भी हम हमेशा पहने रहते हैं। और उसके बाद आ रहा है ये वाला नोआ, जो कि इसको लोहा बोलते हैं बिहार में और बंगाल में इसको नोआ बोलते हैं, नोआ बांधानो बोलता है। तो ये वाला हम अभी बाबू ने हमको गिफ्ट किया अगला महीना, तो ये हम हमेशा पहनने के लिए लिए है, तो ये हम हमेशा पहन के रहेंगे, जैसे कि ये और ये पहन और ये पहन के रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम हमेशा पहन लेंगे। तो चलो अभी हम दिखाते हैं जो हम कभी कभार पूजा में पहनते हैं वो वाला। सबसे पहले ये मान टीका, मेरी जो क्या बड़की सास, मतलब क्या बड़की मम्मी को क्या बोलते हैं, बड़ी मम्मी, हाँ बड़ी मम्मी वो हमको एक कान का दिया था। तो हम ना हम पहले बहुत सोना मतलब खो जाता था हमसे, तो उसका एक खो गया था, तो हम क्या किया और एक बचा था, तो एक का कान का तो पहन नहीं सकते, तो एक वो क्या किया वो देखे और कुछ पैसा देके ये वाला हम मांग टीका ले लिए। तो इसमें उनका भी सोना बहुत खोती हो तुम। नहीं उसके बाद से यार खोए हैं बस, तब के बाद से आज लेवे की एक महीना पहले नहीं, लेकिन हम नहीं खोते। और तो पहले सोना में मतलब इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी मेरे अंदर सोना में प्यार जन्मा है। तो ये वही एक कान का देखा और कुछ पैसा ऐड करके ये वाला लिए मांग टीका। ये बहुत प्यारा डिजाइन है और हम इसको पहने भी थे, अगर फोटो मिल जाएगा हम साइड में लगा देंगे, और इसका भी फोटो हम लगा देंगे साइड में अच्छे से देखने के लिए। डिजाइन बहुत प्यारा है, बाबू जाके पसंद करके लाए थे। उसके बाद आ रहा है ये वाला नेकलेस, बहुत दिन का शौक था मेरा, ये बहुत दिन का शौक ये वाला, उसका चैन देने वाला था, चैन, हाँ चैन भी दिया इसमें है चैन। तो इसका ये वाला हम लगाए है, इसका गोल्ड चैन भी है इसके साथ, तो हम ये सोना दुकान में जाके लगाना पड़ेगा, तो मम्मी जब जाएगी फ्री होगा तब हम लगा लेंगे। ये बहुत दिन का शौक था मेरा, बहुत दिन का हम क्या बताए, मतलब बाबू को परेशान कर डाले थे, लेकिन हमको अचानक से ऐसे मिल जाएगा, मेरे बर्थडे में आप लोग देखे ही थे, हमको एकदम पता नहीं था कि हमको मिल जाएगा, बहुत प्यारा है ये, बहुत प्यारा। इसके बाद नेक्स्ट दिखाते हैं ये वाला कान वाली, ये हमको बड़ पूजा में गिफ्ट मिला था, वो वाला भी व्लॉग आप लोग देखे थे, इसको बोलते हैं कान वाली, जो कि उनको बहुत पसंद है। ये भी बाबू को हम बोलते थे कि हमको ना हम बनाएंगे, तो हम कान वाली और झुमका हमको दम दोनों बनाएंगे। तो ये भी बहुत प्यारा है, बहुत डिजाइन बहुत अच्छा, आप लोग देख सकते हो, साइड में हम लगा देंगे, जिसका डिजाइन पता नहीं चलेगा उसको। उसके बाद आ रहा है मेरा और एक कान का, वो है झुमका,
ये झुमका का डिजाइन मेरी बड़ी वाली ननद बनाई थी, उनको बहुत पसंद आया था, तो उनका लेके हम बोले थे सेम टू सेम बनवाएंगे, सेम है बस उनसे मेरा वाला साइज बड़ा है। ये भी हमको बर्थडे के दिए थे बाबू, तो चलो फाइनली मेरे पास झुमका भी आ गया। ये हम शादी में पहने थे ना, शादी में पहने थे, व्लॉग में शायद देखे होंगे। और सबसे पसंदीदा ये सबसे पसंद है हमको ये रिंग, ये मेरा ये रिंग सबको पसंद है, सबको, सब हमको बोलते हैं कि कहाँ से लियो ये डिजाइन, हम अपने से मतलब अपना डिजाइन देखे बन रहा है। पहन के दिखा दो, पहना के दिखे पहन। और इसमें सबसे अच्छा बात ये ना, इसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं हम सब, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, कोई भी फिंगर पे पहन सकते हैं। कैसा लग रहा है, मेरा नाखून इग्नोर करना ठीक है? तुम हाथ पास सही रखोगे तो नहीं टैप करेगा, ठीक है? तो ये वाला बहुत सबको पसंद है वाला मेरा रिंग। इसके बाद हम दिखाते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं बाला, वो तो मैं दादी के जमाने का बाला बना। ये सही में ये लेने के बाद ये भी हमको बाबू गिफ्ट किया था प्रिया का शादी में, गिफ्ट उसको करना चाहिए था तो बाबू हमको ये वाला शादी में गिफ्ट किए थे। ये जब हम ले ली ना, तो मम्मी हमको बोली कि ये हम लेने के बाद मम्मी हमको बोली कि सेम चीज नानी पास भी था, हम सुन मतलब मेरा नानी सास के पास भी, हम सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि सेम चीज नानी पास भी था और हम सेम चीज बनवाए। मम्मी बोली कि सेम डिजाइन पूरा सेम, तो चलो नानी पहनती थी हम लोग ना, सेम ना भैया, हाँ नानी याद है हमको, ऐसा पहनती थी। सुन के हमको बहुत खुशी मिल रही है कि नानी पास भी थी, फाइनली हम भी बना लिए। वैसे हम ओकेजन में भी मतलब कोई पूजा पाठ ही पहनेंगे, नहीं तो ऐसे रखा रहेगा, ये शौक था मेरा ये भी। तो उसके बाद ये है शाखा पोला, जो बंगाली में होता है, और यहाँ पे इतना शाखा पोला बंधा हुआ नहीं पहनता है ज्यादातर, ये कोलकाता में बंगाल में पहनता है। तो हमको बहुत शौक था क्योंकि मम्मी मतलब मेरी मम्मी पहनती थी, मेरा जो बंगाल में जो भी था सब पहनती थी, तो हमको शुरू से शौक था हम बनवाएंगे ना, तो शाखा पोला मतलब बनवाएंगे, जरूर बनवाएंगे। तो जब बाबू हमको ये सब गिफ्ट कर लेंगे, बाबू बोले बाबू हम हमको इतना कुछ गिफ्ट कर दो तो शाखा पोला भी गिफ्ट कर दो। तो ये भी हम बाबू ने प्रिया के शादी में ही गिफ्ट किए थे, तो ये बहुत, ये भी सब देख के सबको बहुत पसंद आया, सबको सब बोल रहे कि हम लोग भी बनाएंगे और बहुत अच्छा है ये। और एक डाउट है, सब बोलते हैं प्लास्टिक का, ये भी शाखा देख लीजिए, ये शाखा का डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत हमको बहुत प्यारा लगता है शाखा। तो बहुत कोई ना बहुत किसी का डाउट होता है कि ये प्लास्टिक का शाखा नहीं, ओरिजिनल शाखा के ऊपर ही सोना का परत ना क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो बैठा हुआ है, ये ओरिजिनल शाखा ओरिजिनल पोला है, प्लास्टिक का नहीं है। तो ये भी बाबू ने गिफ्ट किए थे। उसके बाद ये वाला मंगलसूत्र जो कि मम्मी हमको शादी में दिए थे, मेरी सास हमको शादी में दी थी, काफी बड़ा है तो हम हमेशा नहीं पहनते, कोई पूजा करते तभी पहनते हैं। और एक हमको ब्लैक मंगलसूत्र बनाना है जिसका मोती ब्लैक रहता है, तो वो अभी नहीं बनाएंगे, धनतेरस में सोना लेना चाहिए तो बनाएंगे, हम प्लान करके रखेंगे, दौड़ा के देंगे तुमको, ठीक है? धनतेरस में एक लेंगे ब्लैक कलर का मोती वाला मंगलसूत्र, बाबू ऐसे बोलते रहते लेकिन हमको देते रहते हैं। उसके बाद हम वो गोल्ड तो नहीं है लेकिन हम जो जो हम आप लोगों को दिखाए ना साइड में हम दे देंगे, फोटो दे देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले, ठीक है? उसके बाद दिखाएंगे, वो गोल्ड तो नहीं है लेकिन मेरा मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरा शादी वाला है, हम दिखाते हैं एक सेकंड। ये पायल आप लोग देखे थे ना, हम प्रिया के शादी में जो साफ करने का प्रोसेस बताए थे ना, चांदी साफ करने वाला, वही पायल है, ये मेरा शादी वाला पायल है, बहुत अच्छा है, बहुत तब मतलब ये हम लोग की शादी 5 साल पहले होता है कि बाद में होता है, 5 साल पहले होता है ना, तो 5 साल पहले हुआ था तब का पायल बताओ, चकचक कर रहा है, 5 साल बाद होगा अभी, साल बाद होगा, हमको हिंदी ना मायरा मायरा भी आ गई पहले, मायरा और मारेंगे। तो हम ना आप लोगों को दिखाते हैं अब मेरी मायरा का, ठीक है? मायरा भी इतना छोटी है लेकिन फिर भी सब उसको मुंह दिखाई देते थे, विजन दिया है। हाँ ये दिए है मायरा को रामा, हाँ ऐसे बाबू का दोस्त कोई विजेंद या रामा, दोनों में से कोई एक बहुत खास दोस्त है इनके, वो लोग शायद व्लॉग भी देखते हैं, वो दोनों में से कोई दिए क्योंकि शादी में दिए थे तो हाथ में हम पकड़ लेते, हमको उतना याद नहीं आ रहा है। उसके बाद ये पायल भी बहुत सुंदर है, हाँ ये विजेंद दिए थे, वो भी लॉकेट दिए थे,
हाँ वो भी चेन दिए थे एक, तो मायरा पास चांदी का बहुत सारा सामान हो गया। हमको तो नहीं लगता कि हमको खुद से मायरा के लिए चांदी का कुछ लेना पड़ेगा, ये बहुत सारा रामा दिया। बड़ी होगी तब लेंगे, अभी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि अभी ये रामा भैया दिए थे, बहुत प्यारा चेन है ना, छोटू सा छोटू छोटू चीज ऐसे भी हमको बहुत क्यूट लगता है। अभी भी उसका मुझुट्टी में बाकी है, अभी उसका गोल्ड कलेक्शन अलग से आएगा, अभी तो उसके लिए कुछ नहीं लिया हम लोग, बस अभी बच्ची है उसने नहीं ली, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे लेना स्टार्ट करेंगे हम। अब उसके पास गोल्ड का ये दो लॉकेट है, ये कौन दिया हम नाम नहीं लेंगे, पर बहुत खास इंसान दिया, तो बहुत प्यारा लॉकेट है इसको, ये हम लॉकेट जिसको दिखा है ये हम नाम नहीं ले सकते, पर बहुत खास इंसान दिए है। और ये लॉकेट दुर्गा मूर्ति है, जिसको भी दिखाए सबको पसंद है, मतलब तो बहुत प्यार लॉकेट। दिया को नाम क्यों नहीं होता होगी, नाम सीक्रेट नाम सीक्रेट है, सीक्रेट बहुत प्यारा है। अब साइड में फोटो लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत छोटा मूर्ति है, हमको बहुत प्यारा लग रहा है, सबको पसंद है। और मायरा बड़ी हो मतलब मुझुट्टी में मायरा का, हम ये लॉकेट मायरा को पहनाने वाले हैं। और ये दी है मौसी मेरी, ये तो हमको मन करता है मायरा को अभी से पहना दे, क्योंकि ये जो लॉकेट है ना अभी उसका नाम है, उस सिगरेट वाला का नाम कैन बता रही है, नहीं ये वो मारेंगे, वो परेशान मत करो, हमको तो नहीं बताया थी सिगरेट वाला कौन है, नहीं आपको नहीं बताएंगे। तो ये दिया कौन, दे दी? कौन दे दिया कौन दे दिया रे सिगरेट वाला ये ना हार्ट शेप है, ठीक है, ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। हमारा को हमको लगता है ये अभी से पहना दे हम, लेकिन अभी उसके पास चेन नहीं है गोल्ड का, तो जब ले लेंगे ना तब ये वाला दिल वाला हमेशा पहना के रखेंगे, और वो मूर्ति वाला कहीं जाएगा ना तब पहना। सिगरेट वाला बोलो पहले, उसके बाद दिखाते हैं ये वाला, ये दी है मौसी, ये भी मौसी दी है, जो वो दिल दी ना दिल वाला, मतलब वो दिल वाला लॉकेट। तो कौन मौसी दी है, तीन का मौसी है तुम्हारा। ये दी है मीना मौसी, छिन 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 करके बसती है, और बहुत प्यारा है, मतलब कितना प्यारा है ना, बसती है अभी से। उसके बाद और कुछ मम्मी पास शायद है, उसके बाद ये भी मौसी दी है मीना मौसी, ये हाथ में पहनने वाला है, ये भी झुनझुन बसती है, हम पहली बार देखे की हाथ में भी झुनझुन रहता है, पायल में सुने हैं तुम जुना दे दियो तो तुम मारेंगे। ये दी है मेरी मछली वाली ननद पिंकी दी, ये इसमें ये भी सेम है, झुनझुन झुनझुन ये भी बसती है, कितना सारा पायल हो गया उसका, पता नहीं पहन मन करता अभी पहना दे, लेकिन अभी उसका पैर इतना छोटा कि निकल जाता है, सब मुंह दिखाई है, ठीक है सब। ये दिया मेरा पापा, ये चेन का डिजाइन बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है, ये गोल गोल डिजाइन, हम मायरा के लिए गोल चेन बनाएंगे ना तो सेम इस डिजाइन में ही बनाएंगे। ये दी है मेरी बहन, मुंह दिखाई, ये चेन भी बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है हमको, छोटे छोटे चीज अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा चीज से सोतना रखो, सोतना बड़ा करेगा। और ये दी है बड़की मम्मी, ये बाला है ब्लैक में, इसे बाला बहुत अच्छा है, ऐसे काला कार नहीं पहनने का जरूरत है, ये अगर पहना लेंगे दुकान खोल लेंगे रे हम, कितना मुंह दिखाई हो गया, सेम बाला यहाँ पे, ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये भी वो भी सेम था, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था और ये छोटा सा है, तो छोटा चीज हमेशा अच्छा लगता है सेम। इसका मुंह वाला जो डिजाइन है ना बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये भी दिया मछली मम्मी, वो बड़ी मम्मी दी है, ये मछली मम्मी दी है। और ये पायल है ना, शायद ये मछली मम्मी दी, पता नहीं कौन क्या दे, बहुत मतलब ये उधर, ये शायद ऊपर वाला दीदी है रहती है किशु की मम्मी, वो दिए होंगे। ये भी बहुत प्यारा है, डिजाइन है इसमें यार, देखो डिजाइन देखो, यहाँ पे डिजाइन है और बीच बीच में एक झुम 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 है। उसके बाद एक ये भी पायल ही है, ये पायल है, पायल है ये, सॉरी हाथ वाला है, हाथ तो दिमाग हैंग हो गया अरे अरे मतलब ये हम पहली बार सुने पायल ऐसा होता है, ये जो झुमझुमा है ना ये पायल में रहता है, बस ये वाला हाथ में रहता है। वाओ यार, इसका मुंह दिखाओ, इधर आओ,
इसका मुंह में ना देखो टाइगर मुंह है, एलिफेंट मुंह है, सॉरी जो हम मेरा बाला नहीं दिखाए थे ये वाला, इसमें भी एलिफेंट मुंह है और इसमें भी एलिफेंट मुंह है। वाह, मारे पास अच्छा जेवर हो गया चांदी। उसके बाद ये कौन दिया बाबू? ये भी एक चेन है, ये कौन दिया हमको नाम नहीं पता। ये भी एक चांदी का चेन है और बहुत प्यारा। मम्मी दी थी। हाँ मम्मी। हाँ ये आशा मौसी दी, ये आशा मौसी, आशा मौसी और एक चेन। हाँ ये आशा मौसी दी, वो अंजू मौसी दी। ये भी चेन है, ये भी बहुत प्यारा चेन है। क्यूट सा छोटी छोटी चीज बहुत अच्छा लगता है हमको। और मम्मी को शादी में कुछ नहीं मिला। चुप करो, शादी में मिला ना मंगलसूत्र मम्मी दी थी। कहाँ है? यही तो मम्मी दी थी। तो मम्मी दी थी, मम्मी दी थी बोले तो मेरा सास दी है वो। और ये भी पिंकी दीदी मेरी मछली वाली नाना, ये भी दी। और गाइस हमको ये मिला दिखाओ, सिर्फ 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 ये सोना का चेन। टूट जाए बेटा, एक ही है सास का सामान। और ये भी पिंकी दीदी थी, ये है कमर धनी। कमर धनी, ये बायरा का कमर धनी। इसमें तीन लेयर है और बीच बीच में हार्ट सेव है, देखो देख सकते हो। उसके बाद मायरा के लिए और दो चीज है जो कि बंगाल में बहुत ज्यादा होता है, वो हम दिखा रहे हैं आप लोग एक सेकेंड। तो उसके बाद हम जो बोले थे मायरा को, ये दी है मेरी छोटकी मौसी सास, ये वाला, ये होता है हाथ का ना पोदो बोला जाता है, जो कि यहाँ पे बांधता है और इसे झुमझुम करके देखो कितना प्यारा लगता है। मायरा जब मुलुठी में पहनेगी बहुत प्यारी लगेगी, ये वाला बहुत क्यूट है। और ये वाला दी है मामा, जो कि हमको मन करता है अभी उसको पहना दे, ये भी बहुत क्यूट है ना, छोटकू सा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ये कोई ओकेजन में पहनने के लिए सही है, ये बड़ा है तो। और ये हमेशा अगर पहना के रखे ना इतना क्यूट लगेगा, ये वाला हमको बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा है, मामा दिए हैं तो ये बहुत प्यारा है, हम हमेशा पहना, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तो हम हमेशा इसको पहना के रखने का कोशिश करेंगे, पता नहीं बच्चा लोग छटर पटर करते। और हम एक बोले थे कि मौसी सा दी, लेकिन मम्मी बोले ये मौसी दी है, तो ये मेरी और एक मौसी दी है जिसका मुँह में एलिफेंट वाला मुँह है, देख सकते उसका डिज़ाइन जैसे मेरा बाला नहीं है उसमें मुंह बना हुआ एलिफेंट का, वैसे सेम है सब मुंह, और ऐसे कलरिंग दिया हुआ है बीच बीच में डिजाइन में, और बहुत प्यारा है। ये है मायरा और मेरा, मायरा का चांदी कलेक्शन बोल सकते हैं और मेरा गोल्ड कलेक्शन बोल सकते हैं। मायरा का कुछ अभी तक नहीं लिए, बहुत जल्दी उसका भी गोल्ड शॉपिंग करेंगे, तो फिर से मायरा का अलग से हम आप लोग को ज्वेलरी दिखाएंगे। तो मेरा ये गोल्ड ज्वेलरी कैसा लगा? और हाँ ये भूल गए, छोटू सा नाक में जो कि हम और एक नाक वाला है, पता नहीं वो कहाँ पे है, वो मेरी बर्थडे में मेरी गोथनी जो है वो दी थी, तो वो और एक है वो मछली डिजाइन वाला है। और ये वाला मेरे पास दो ही नोज रिंग है, और नोज रिंग हम लेने वाले हैं छोटा सा, क्योंकि हम हमेशा पहने और हमको दूसरा पहनना है, तो इसलिए हम दो तीन दिन बाद और एक नोज रिंग लेने वाले हैं। तो यही छोटा मोटा मेरे पास गोल्ड कलेक्शन है, और लेंगे तो आपके साथ बाद में और शेयर करेंगे, वो शायद गोल्ड कलेक्शन 2 बोल के आएगा, लेकिन अभी नहीं, बहुत लेट है। तो थैंक यू, अगर आप लोगों को मेरा गर्ल कलेक्शन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और प्यारा प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, कौन सा अच्छा लगा वो भी कमेंट्स करके बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और राहुल डॉट मम्मी में एक मस्त सा स्टोरी आने वाला है, वो भी देखिएगा, थोड़ी देर बाद ही आएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, और मेरी चैनल को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।